Don't let yesterday take up too much of today. ये है आज का थॉट कि आपके कल को, बीते हुए कल को, आज का इतना समय मत दो कि जो आज है वो भी कल बन जाए. ठीक, मतलब वो डे किसी काम का ही ना रहे. ठीक, कुछ प्रोडक्टिव करने लायक उसमें समय ना बचे, इतना समय आप पास्ट में दे दें, मतलब सोचते हुए पास्ट को, पास्ट का दुख मनाते हुए. इसी के साथ, इस थॉट के साथ, सभी के कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस इससे जुड़े हुए होंगे, इसलिए इस थॉट को यहाँ पर लिखा है और पढ़कर सुनाया है. तो इसके बारे में थोड़ा गहन चिंतन करिएगा. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. आगे कहाँ? यस, आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के. अब चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स में हम पढ़ रहे थे पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज. पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज में भी हम पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज सारे डिस्कस कर चुके थे, बट पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज की जो रेमेडीज हैं, कैसे उनका प्रिवेंशन करें और अगर हो जाए तो कैसे उन्हें क्योर करें, आज वो डिस्कस करेंगे. मतलब आज का हमारा टॉपिक है करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज. ओके, करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज. कुछ कॉमन पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज हमने डिस्कस की थी, सारी पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज डिस्कस नहीं की थी, और कुछ कॉमन पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज हमारे सिलेबस में भी है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज. स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज में काइफोसिस, लोर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, बोन एक्स एंड राउंड शोल्डर्स एंड फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स एंड फ्लैट फुट, ये पांच डिफॉर्मिटीज हमने डिस्कस की थी. आज इन्हीं के हम करेक्टिव मेजर्स पढ़ेंगे. सो करेक्टिव मेजर्स, बैकग्राउंड में ट्रैक्टर का आवाज आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे. अच्छा, करेक्टिव मेजर सबसे पहला काइफोसिस को लेकर देखते हैं. काइफोसिस पता तो है ना कि भूल गए, मतलब जो बैकवर्ड कर रहे हैं उसका एग्जेगरेट हो जाना, उसका इंक्रीज हो जाना, इस तरीके से. देखो कर्व में थोड़ा सा, ये जो स्पाइनल कर्व होता है थोड़ा सा ही कर्व होता ही है, तभी तो कर्व है ना ये स्पाइनल कर्व. ठीक, स्ट्रेट तो नहीं है, तभी तो स्पाइनल कर्व इसका नाम है. अब अगर इसका जो बैकवर्ड कर्व है वो एग्जेगरेट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा कर्व हो जाए, समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये ज्यादा इंक्रीज हो जाए कर्व, तो इसे बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं काइफोसिस. ठीक, मतलब ऐसा हो जाता है कुछ. ओके, ऐसा. ओके, अब उसके बाद इसकी रेमेडीज क्या है. ठीक, पहले तो थोड़ा सा याद दिला दिया कि ये है क्या, अब इसकी रेमेडीज देख लो. इसकी रेमेडीज ये है, नंबर वन आपका जो आसन है वो है भुजंगासन. आपको दिख रहा होगा भुजंगासन कहीं आसपास मेरे, मैं पिक्चर लगा दूंगा. तो भुजंगासन जो है ये थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ये इसकी रेमेडी है. ताड़ासन इसकी रेमेडी है. एक आसन अलग से बता रहा हूं, धनुरासन, वो हमने वहां पर डिस्कस नहीं किया था थर्ड चैप्टर में, योगा वाले चैप्टर में. धनुरासन के बारे में कुछ बातें करते हैं. मैं उसी आसन को डिस्कस करूंगा जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया, धनुरासन. धनुरासन का पिक्चर तो देख ही लिया होगा आपने, अब इसके बारे में कुछ चीजें पता कर लेते हैं. धनुरासन है ना, तो धनुष, यहां से धनुष की फीलिंग आ रही है, धनुष का साउंड आ रहा है यार. हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं साउथ के हीरो की, हम बात कर रहे हैं धनुष की, अर्जुन वाले धनुष की बात कर रहे हैं. ठीक, तो यहां पर जो पोज बन के आता है वो धनुष के फॉर्म में आता है, धनुष के जैसा आता है, इसलिए इसे धनुरासन बोलते हैं. इंग्लिश में बो पोज बोलते हैं, BOW, बो पोज. ठीक, यहां पर जो आपका थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हो ना शुरुआत में, अच्छा इंपैक्ट डाले गए. फिर इसके स्टेप्स बता देना कि कैसे कैसे इसे करना है. पहले स्टेप्स बताने से पहले लिख देना कि ये बो पोज कहलाता है. बो पोज क्यों कहलाता है? क्योंकि जो आपका टोर्सो है वो तो यहां पर ऐसा लगता है, इस तरीके की शेप देता है जैसे कि आपका बो, मतलब आपका धनुष. और जो धनुष में स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग का काम हमारी आर्म्स करती है. वो आपको पिक्चर में क्लियर हो गया होगा. आपकी जो आर्म्स है वो आपकी किसकी तरह, मतलब शेप दे रही है, किसकी शेप दे रही है? वो दे रही है स्ट्रिंग की शेप. और जबकि जो आपका बो है उसकी शेप दे रहा है आपका टोर्सो. अच्छा, एक बार ट्रैक्टर पास हो जाने दो.
वो के बारे में तो डिस्कस कर लिया, टोर्सो के बारे में डिस्कस कर लिया कि आखिर ये टोर्सो है क्या, क्योंकि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि टोर्सो क्या होता है, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, टोर्सो को डिस्कस करते हैं। आपका जो हेड और लेग्स का हिस्सा है, हेड लेग्स और हैंड्स, इन्हें छोड़कर बाकी का जो हिस्सा बचा, अब सोचोगे सब क्या हिस्सा बचा, कुछ तो बचेगा, जो मेन पार्ट बॉडी का बचेगा आपके हेड को, लेग्स को और हैंड्स को हटाकर, उस हिस्से को बोलते हैं टोर्सो। तो ये जो आपका टोर्सो है वहां पर वो की तरह क्या कर रहा, एक्ट कर रहा, कहां पर आप देख सकते हैं पिक्चर में आप, ठीक। अब चलते हैं आगे लोर्डोसिस की तरफ। लोर्डोसिस मतलब इसका उल्टा एकदम काइकोसिस का, यहां पर बैकवर्ड कर्व एग्जीग्रेट हो रहा या इंक्रीज हो रहा, वहां पर फॉरवर्ड कर्व इंक्रीज हो रहा या एग्जीग्रेट हो रहा। अगर ये ऐसे है तो ये बिल्कुल ऐसे अपोजिट है, ठीक। तो यहां पर आपका लोर्डोसिस, लोर्डोसिस में क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन लोर्डोसिस की रेमेडीज क्या है, ठीक। रेमेडीज यहां पर है, सबसे पहली यहां पर आप ले लो सबसे पहले हलासन, क्योंकि हलासन हम थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। हलासन इसकी एक रेमेडी है। एक आसन मैं यहां पर आज डिस्कस करूंगा, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी इसकी एक रेमेडी है, ये भी थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। और पवन मुक्तनासन, तीनों के तीनों आसन हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। यार रेमेडी कौन से आसन को ले रहे हैं हम, रेमेडी उन आसन को ले रहे हैं हम, जरा एक बार खुद दिमाग में सोच के देखना, इमेजिनेशन करके देखना, या फिर इमेजेस से ही देख लेना कि हम उन आसन को रेमेडी के तौर पर ले रहे हैं। अगर बैकवर्ड कर्व एग्जीग्रेट हुआ, दैट इज काइफोसिस में, तो एक ऐसा आसन ले रहा है जो कि इसके अपोजिट हो एकदम। और अगर फॉरवर्ड कर्व इंक्रीज हुआ किसमें, लोर्डोसिस में, तो हम ऐसे आसन ले रहे हैं जिसमें फॉरवर्ड कर्व इंक्रीज हुआ तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में किए जा रहे हो, तो मतलब बिल्कुल अपोजिट, जिससे कि वो चीज बैलेंस्ड हो, ठीक है। इसे आप कंपेयर करके देख लीजिए, क्योंकि तभी आप याद रख पाओगे कि धनुरासन किसकी रेमेडी है, हलासन किसकी रेमेडी है, ठीक, तभी याद रख पाओगे। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए धनुरासन होता क्या है, उसका एक इमेज दिमाग में होना चाहिए, क्लियर। अब उसके बाद थर्ड है आपका स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस आपको पता है, स्कोलियोसिस मतलब लेटरल बेंड आ जाना, किसमें, किसमें आ जाना लेटरल बेंड, लेटरल बेंड आ जाना आपका कर्व में, स्पाइनल कर्व में, साइडवेज बेंड आ जाना होता है, ऐसे इधर को साइड में खिसक गया या इधर को साइड में खिसक गया। और किस रीजन में खिसकती है चीजें, लुम्बर रीजन में, LUMBAR, ठीक, क्योंकि वहीं पे वो कर्व तो होता है, कौन, स्पाइनल कर्व। तो स्कोलियोसिस के बारे में डिस्कस कर लिया। स्कोलियोसिस की रेमेडीज, भाई जिस साइड को आपका कर्व खिसक रहा हो, मतलब जिस साइड को कर्व एग्जीग्रेट हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, उस साइड के अपोजिट वाला आप आसन करिएगा। जैसे त्रिकोणासन, त्रिकोणासन दो साइड में हो सकता है, उसके अपोजिट साइड करेगा, इस साइड है तो इस साइड वाला करिएगा, इस साइड है तो इस साइड वाला करिएगा। अर्धचक्रासन भी इसी तरीके से, क्लियर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका नोकनीज। नोकनीज के लिए क्या है, नोकनीज आप समझते हैं नोक, नोक मतलब नीज का टच करना एक दूसरे को, एक नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में भी, ऐसे नहीं कि जब आप चल रहे हैं तब, एक नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आपके नीज टच कर रहे हैं, तो ये नोकनीज है, क्लियर। नोकनीज के लिए रेमेडीज क्या है, नोकनीज के लिए रेमेडीज है, सबसे बेस्ट रेमेडी है हॉर्स राइडिंग, लेकिन ये सब नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए पहले सीखना पड़ेगा हॉर्स राइडिंग, तो लेकिन फिर भी बेस्ट रेमेडी हॉर्स राइडिंग है, जो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी आती है दिमाग में, आप जो हॉर्स राइडिंग करेंगे उनके तो चांसेस ही बहुत कम है कि उनके नोकनीज हो, तो अगर नोकनीज है तो हॉर्स राइडिंग बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो पैर है वे खुले रहते हैं, आप खुद देख रहे हैं नोकनीज में टच कर रहे हैं और उसमें पैर खुले रहते हैं, ठीक। तो पैरों को खोलना ही तो है हमें, जिससे कि वे टच ना करें, अपोजिट डायरेक्शन वाले आसन करने हैं हमें, अपोजिट डायरेक्शन वाली एक्सरसाइजेस करनी है हमें। अब ढोल पिटने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार देखता हूं कि आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक या नहीं, ठीक है, एक बार देखते हैं। ओके, ढोल पिटना तो चलो बंद हो गया, अब हम मिलते हैं टॉपिक को, नोकनीज। नोकनीज के बारे में बात कर रहे थे हम, नोकनीज की रेमेडीज के बारे में बात कर रहे थे, ये तो फिर पिटना शुरू हो गया भाई, लेकिन हम भी पीटेंगे अपने टॉपिक को।
नोकनीज में पहला हमने देखा रेमेडी हॉर्स राइडिंग, ठीक, क्योंकि उससे जो आपके पैरों के बीच का गैप है वो बना रहेगा। ओके, नंबर सेकंड थिंग यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, नंबर सेकंड थिंग यहाँ पर देखने को मिलती है आपका गोमुखासन, ये भी हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। और आप इमेज देखते जाओगे तो आपका रिवाइज होता जाएगा, रिमाइंड होता जाएगा, हर चीज को मैं कवर नहीं करा सकता क्योंकि हम पहले कवर कर चुके हैं। ओके, एंड लास्ट आसन जो है आपका किसके लिए, नोकनीज के लिए, वो हो सकता है आपका अर्धचक्रासन। क्या? अर्धचक्रासन, क्लियर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बोलेक्स की तरफ। बोलेक्स, बोलेक्स इज अपोजिट टू नोकनीज, नोकनीज के बिल्कुल अपोजिट है बोलेक्स। बोलेक्स में होता क्या है, बोलेक्स में आपके नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में एक वाइड गैप होता है आपके नीज के बीच में, आपके जो एंकल के बीच का गैप है वो घटता जाता है, नीज के बीच का गैप बढ़ता जाता है, एंकल के बीच का गैप घटता जाता है। इसके लिए रेमेडीज क्या है, इसके लिए रेमेडीज में कुछ आसन है, कौन कौन से आसन से हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट आसन है आपका गरुड़ आसन, नंबर सेकेंड आसन है आपका अर्ध मत्स्येन्द्र आसन, और लास्ट है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन और अर्ध मत्स्येन्द्र आसन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये गरुड़ आसन नया है, इसका इमेज आपने देख लिया होगा। अब गरुड़ आसन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसके बारे में, गरुड़ आसन के बारे में। नोकनीज में एक आसन मैंने गलत बता दिया, उसे करेक्ट आप कर सकते हैं या आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बोलेक्स में डिस्कस कर रहे हैं गरुड़ आसन के बारे में। गरुड़ आसन में गरुड़ तो सुना होगा आपने, पक्षी, उसकी शेप आती है कि कैसे, सबसे पहले आप तड़ासन में खड़े होंगे, आपको इमेज से पता चल जाएगा, इमेजिन कर दे जाना, आप पहले तड़ासन में खड़े होंगे, तड़ासन में खड़े होने के बाद जो आपका राइट लेग है उसे फोल्ड करोगे लेफ्ट लेग के ऊपर, ठीक। फोल्ड करने के बाद अपनी आर्म्स को एल्बो पर बैंड करोगे, और उसके बाद जो अपना लेफ्ट लेफ्ट हैंड है उसे ऐसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से, ये आपकी पाम्स आपकी जितनी अच्छी तरीके से मिलेगी उतना अच्छा शेप आएगा, ठीक। तो हैंड्स में तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है राइट हैंड पर, और लेग्स में राइट लेग को फोल्ड करना है लेफ्ट लेग पर, और फिर जब इस पोज में आ जाओ तो धीरे धीरे अपने लेग्स को नीचे की तरफ करते जाना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना कर सको, जितना झुक सको नीचे की तरफ को झुकना, और उसके बाद जितनी देर तक रह सको उतनी देर तक इस पोज में रहना, यही आपका गरुड़ आसन है या गरुड़ पोज है। अब उसके बाद बोलेक्स के बाद राउंड शोल्डर्स है, राउंड शोल्डर्स मतलब शोल्डर्स का राउंड हो जाना, ठीक। अब इसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज हमारे पास है राउंड शोल्डर्स के लिए, तो राउंड शोल्डर्स के लिए पहली है चक्रासन, पहले डिस्कस कर चुके हैं, धनुरासन आज ही डिस्कस किया है, और पुलअप्स भी आप कर सकते हैं, पुलअप से भी ये जो आपके शोल्डर्स की राउंडनेस है वो गायब हो सकती है या घट सकती है, क्लियर। लास्ट है आपका फ्लैट फुट के लिए सब जानते हैं कि रोप स्कीपिंग कर सकते हैं आप, अपने जो टॉयज हैं उन पर खड़े हो सकते हैं आप, जो है अपनी हिप्स पर स्टैंड अप डाउन कर सकते हैं, स्टैंड अप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं फ्लैट फुट के लिए, बहुत सारे रेमेडीज हैं आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, और आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, थोड़ी जो प्रॉब्लम हुई है आसपास के सराउंडिंग की वजह से उसके लिए माफी, और पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद। ढोल भी बंद हो गया भाई।